जनक बाबा भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू में एक युवती ने मासूम बच्चियों के अश्लील वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। महू की खान कॉलोनी की घटना में कोचिंग संचालक महिला की बहन ने कोचिंग में पढ़ने वाली 3 व 6 साल की मासूम बच्ची के वीडियो वायरल किए। इसमें आरोपी युवती ने बताया कि उसने सोशल मीडिया पर इस तरह के वीडियो देखकर इस तरह की हरकत की और कोचिंग में पढ़ने वाली 2 मासूम को अपना शिकार बनाया। मामले में महू थाना प्रभारी अभय नेमा ने बताया कि खान कॉलोनी में कोचिंग संचालक महिला की बहन ने पास ही में रहने वाली 3 व 6 साल की मासूम जो कोचिंग में पढ़ने आती थी उनके साथ अश्लील हरकत की एवं उसका वीडियो भी बनाया। घटना की जानकारी 3 साल की मासूम की मां को लगी, जिसके बाद उन्होंने पति व अन्य परिजनों को बताया। परिजनों ने मामले की शिकायत पुलिस को की, जिस पर आरोपी युवती के खिलाफ पास्को एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर उसे हिरासत में लेकर बुधवार देर शाम न्यायालय में पेश किया। युवती ने जो वीडियो बनाए उसे अपने मित्र दुर्गेश को भी शेयर किए हैं। हालांकि अब यह वीडियो युवती के मोबाइल में से डिलीट हो गए हैं। इसके चलते पुलिस ने अभी दुर्गेश को आरोपी नहीं बनाया है। इस पूरे मामले में अभी जाँच की जा रही है। क्या है पूरा मामला? हाँ, वो हमारे बच्चे कोचिंग जाते थे, 1-2 घर छोड़ के है, और वो हमने सोचा कि अच्छी लड़की इसके कहने पढ़ाने पहुँचा दिया, उसने गंदी गंदी हरकतें करी लड़की के साथ में, 2 बच्चों के साथ में, और ना बोलने गए तो लड़ाई करने लग गई और बोले मैं मोबाइल तोड़ देती तो तुम क्या करते ये वो, और वो लड़के को सेंड करने लग गई। लड़के का नाम क्या? दुर्गेश को। तो ये वीडियो क्या बनाती, किस टाइप से बनाती थी? वो बनाई उसने बहुत नंगी, मतलब बनाई उसने बच्चों के साथ में, बहुत गंदी हरकतें करी बच्चों के साथ। इसमें आपकी पहले से कोई दुश्मनी थी? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं थी। वो तो अच्छी आती जाती थी, हमारे घर पे बैठते उठते सब थे वो लोग। क्या नाम है उसका? उसका नाम है लवी, और परी भी बोलते हैं और लवी भी बोलते हैं उसको, लविशा। तो आपने इसके खिलाफ शिकायत करी? शिकायत करी, पुलिस में रिपोर्ट करी हमने, वो लोग भी आके उठा के ले गए दोनों को, कोई बात नहीं उसमें, पर हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस कड़क से कड़क सजा दे उसको। आपको कैसे पता चला कि ये वीडियो बनाती है? वो उसकी वीडियो, ये ना हमारे पड़ोस में रहते हैं इनाय की मम्मी, उनका मोबाइल हैंग हो गया था, तो उसने बोला जरा मोबाइल का लॉक ये कर दे तो सही उसको, तो वो आई थी तो उसका मोबाइल उनके हाथ में आ गया, तो उनने उसकी मम्मी ने देखा, पड़ोस की लड़की की मम्मी ने। मैं मेरी बेटी 3 साल की, वो उसे परी उस लविशा के घर ट्यूशन जाती थी, वो शिक्षक थी वो, लेकिन उसने बहुत गलत काम किया। पढ़ाई के लिए जाती थी, ट्यूशन भेजते थे हम उसको, लेकिन उसने अपने मन की भड़ास निकाली या फिर क्या गलत काम किए, वीडियो बनाए गलत, और फिर उसके फिर लड़कों को सेंड करी उसने, अचानक वो मेरे सामने आ गया, वो वीडियो सारे गलत काम करी। फिर आपने क्या करा? FIR करवाई? FIR फिर हम पुलिस थाने जाके FIR करवाए हमने उसके लिए। आप पुलिस से क्या उम्मीद रखते हो अभी? कि अब कुछ अच्छे से अच्छी कार्रवाई दे। क्या मामला था? महू नगर में खान कॉलोनी में कोचिंग संचालिका के घर में उसकी बहन द्वारा 2 छोटी बालिकाओं के साथ लैंगिक हमला किया गया था। इस संबंध में बच्ची की माँ ने रिपोर्ट की थी, इस पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था और आरोपी लड़की को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया गया। नहीं, अभी इन्वेस्टिगेशन में है मामला, उसके बाद ही आगे कार्रवाई की जाएगी।